स्टूडेंट्स, अभी हमने इस एक्सरसाइज में चैप्टर 3 में अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल में अपना पार्ट 2 देखना है, जिसमें आप अपनी एक्सरसाइज करेंगे उसके कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर देखते हैं। फॉर्मूला जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपको नंबर ऑफ डायगनल्स का, सम ऑफ इंटीरियर एंगल का, ईच एक्सटीरियर एंगल का, वो सारे फॉर्मूलाज पहले याद करने हैं, तब आप इसको एक बेटर वे में समझ पाओगे। ठीक है, लेट अस सी। ये हमारे बहुत क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है। हाउ मेनी डायगनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव? ओके, हमारे कितने डायगोनल होंगे? आपको शेप दी हुई है, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, रेगुलर हेक्सागन दिया हुआ है और ट्रायंगल दिया हुआ है। तो ऐसा नहीं करना आपने कि फिगर ड्रॉ करके आप डायगोनल्स काउंट करने लग जाओ। अभी मैंने आपको नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला बताया है, तो यू हैव टू यूज दैट फॉर्मूला। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था, नंबर ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल टू एन इंटू n इंटू एन माइनस थ्री डिवाइडेड बाय 2। ये हमने अभी डिस्कस किया था, ओके, के नंबर ऑफ डायगनल्स कितने होते हैं, वेर एन इज द नंबर ऑफ साइड्स। अब हमारे पास क्या है, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल कॉन्वेक्स ही हमारे सिलेबस में है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो लेट अस सी अवर फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमें बताना है क्वाड्रिलेटरल के लिए। तो हम सबसे पहले कर रहे हैं क्वाड्रिलेटरल के लिए नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे। तो आई कैन से मेरा कितना आ गया यहाँ पे, एन की वैल्यू 4। 4 माइनस 3 1 होता है, तो आई हैव 4 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 2। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स क्वाड्रिलेटरल के लिए आ गए मेरे पास 2, और वो आपको पता भी है कि क्वाड्रिलेटरल में हमारे पास सिर्फ 2 डायगोनल होते हैं। नाउ यू कैन से हेक्सागन के लिए, हेक्सागन में हमारी 6 साइड्स होती हैं। आपको मैंने अभी बताया था इंट्रोडक्शन में, पेंटागन इज 5 साइड्स, हेक्सागन इज 6 साइड्स। ठीक है, तो एन की जगह पर हम क्या डाल देंगे बेटा, 6। तो 6 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2, ये कैंसिल हो गया। तो व्हाट वी हैव, 3 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 9। ओके, एन की जगह पर हमने 6 पुट किया, 6 इंटू 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 इज 3। ओके, दिस इज 6 इंटू 6 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2। तो 2 3s are 6, 3 3s are 9। तो टोटल नंबर ऑफ डायगनल्स, अगर आपको भी फ्री होता है इसे ड्रॉ करके देखिए, आपको 9 डायगनल्स मिलेंगे। ट्राइंगल के केस में स्टूडेंट्स, मैं अभी आपको बता चुका हूँ, 3 साइड्स होती है हमारी, कोई डायगनल नहीं होता, है ना। आई एम टेलिंग यू अगेन, इस फॉर्मूला में मैंने क्या किया, एन की जगह 3 डाल दिया। तो हमें पता है 3 माइनस 3 इज 0, तो इसलिए ट्राइंगल में हमारे पास कोई भी डायगनल नहीं होता, 0 डायगनल्स। दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द नेम ऑफ द रेगुलर पॉलीगन। आपको सिर्फ यहां पर रेगुलर पॉलीगन का नाम बताना है। तो मेरे पास 3 साइड्स की पॉलीगन है, तो वो क्या होती है, ट्राइंगल। अगर मैं बोलता हूं स्टेट द नेम ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन है 3 साइड्स की, तो यू कैन से इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल में हमारी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। ओके, अब आपको बोला फिर से आप 4 साइड्स, स्टेट द नेम ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 4 साइड्स, दैट कुड बी स्क्वायर। ओके, ये भी हम डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, एंड दैट कुड बी रोम्बस एज वेल। देन वी हैव 6 साइड्स फिगर, तो 6 साइड्स फिगर रेगुलर हेक्सागन। ठीक है, आप इसको सिंपल ऐसे लिख सकते हैं, यू कैन से रेगुलर हेक्सागन। ठीक है, बिकॉज दे आर सेइंग रेगुलर पॉलीगन। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, आपको सिर्फ इसमें नेम बताने थे, नथिंग एल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको यहां पर क्या करना है, फाइंड द एंगल मेजर एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। ये 2 फिगर है हमारी अलग अलग। ठीक है, लेट अस से दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड। आपको यहां पर एक्स की वैल्यू बतानी है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये तो हमारा प्रेटी डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको 3 एंगल दिए हुए हैं एंड दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल में आपको पता है, इफ आई से दिस इज ए बी सी डी, ऑल 4 एंगल्स का सम कितना होता है बताइए, एंगल ए प्लस बी
प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, ये होता है हमारा चारों एंगल का सम क्वाड्रिलेटरल में। आप इसको फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं जो हमने भी पढ़ा था, ठीक है, n माइनस टू इंटू 180 डिग्री। ये था हमारा फॉर्मूला सम ऑफ इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करने के लिए। ओके, अब आपको पता है बेटा एंगल ए इज 130, एंगल बी इज 120, एंगल सी आपको निकालना है विच इज एक्स, एंगल डी की वैल्यू है 50, इनका सम हो गया 360 डिग्री। ठीक है, नाउ दिस इज 250, 250 प्लस 50 300, 300 प्लस एक्स इज इक्वल टू 360, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, 360 माइनस 300 विच इज 60 डिग्री। ये हमारी वैल्यू आ गई एक्स की इन दिस फिगर। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 2 3 4, अगेन दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल ओनली। पहले देखना कितनी साइड्स हैं, एक साइड ये है, हम वर्टेक्स के नाम भी लिख सकते हैं ए बी सी डी ई। ओके, सो दिस इज हैविंग 5 साइड्स, सो दिस इज अ पेंटागन नॉट अ क्वाड्रिलेटरल। ए बी, ठीक है, बी सी, सी डी, डी ई एंड ए, और ये हमारी एक्सटेंशन है। ये क्या है हमारा 60 एंड 70, दीज आर एक्सटीरियर एंगल्स। अगर आप कोई भी साइड एक्सटेंड कर देते हैं तो दीज आर एक्सटीरियर एंगल्स। तब आपने क्या करना है, आपको x की वैल्यू निकालनी है स्टूडेंट्स। तो आप ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, पहले सबसे पहले हम ये फाइंड आउट करेंगे। तो आप देखिए बी सी डी कितना होगा आपका, एंगल बी सी डी, बी सी डी 180 माइनस 70 दैट इज इक्वल टू 110। जो मैंने एंगल मार्क किया है आप इसको रेड कलर से मार्क कर लीजिए, ठीक है ना, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एंगल बी सी डी। ये हमारा कितना आ गया 110। लीनियर पेयर प्रॉपर्टी लगाई हमने यहाँ पर बेटा, ठीक है, ये आप क्लास 7th में भी पढ़ के आए हैं। अब हमने दूसरा एंगल निकालना है, तो सपोज आई नीड टू फाइंड आउट दिस एंगल, दिस इज ई डी सी। ई डी सी कितना है हमारा, एंगल ई डी सी फिर से यू कैन से 180 माइनस 60, तो दैट इज इक्वल टू 120 डिग्री। दो एंगल मेरे पास आ चुके हैं इंटीरियर एंगल्स, एक्स दोनों सेम है मेरे, 30 मुझे गिवन है, तो एक पेंटागन में सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या होगा, दैट वी कैन फाइंड आउट इजिली बाय एन माइनस टू इंटू 180 डिग्री। कितना आएगा इनकी वैल्यू, 5, 5 माइनस 2 इज 3, तो 180 इंटू 3 दैट इज 540 डिग्री। यानी कि सारे एंगल का सम लेकर स्टूडेंट्स मैं 540 के इक्वल रख सकता हूं। तो आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे 110 विच इज बी सी डी प्लस दिस एंगल विच इज 120 प्लस एक्स प्लस एक्स 2x प्लस 30, इन सबको सम करके आप किसके इक्वल लिखेंगे, 540 के इक्वल। यहां से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं, लेट अस सी, दिस इज 150, 150 प्लस 100 250 प्लस 10 260, तो 260 प्लस 2x इज इक्वल टू 540। ठीक है, तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स, 540 माइनस 260, आप इसको सब्ट्रैक्ट करके लिखिए, तो यू कैन सी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। देखिए सब्ट्रैक्ट करके क्या आ रहा है आपका, 2x इज इक्वल टू 0, 14 माइनस 6 8, 4 माइनस 2 2, सो द वैल्यू ऑफ एक्स इज 140 डिग्री। तो हमने यहां पर पेंटागन के सम ऑफ इंटीरियर एंगल निकाला, दैट इज 540 हमारा आया, सब एंगल्स का हमने सम करके लिख दिया, ठीक है, सबका टोटल 540 के इक्वल, उससे हमारी एक्स की वैल्यू आ गई दैट इज 140। ओके बेटा, अब हमें इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास,
इसमें हमें x प्लस वाई प्लस जेड निकालना है इन द फॉलोइंग फिगर। अब जैसे कि आप देख सकते हैं है तो ये एक ट्राइंगल, ठीक है, तो हम इसके कोऑर्डिनेट्स के नाम दे देते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया बेटा ए बी सी, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। ओके, लेकिन लगेगी क्या यहाँ पर, आप एक्सटीरियर एंगल थ्योरम भी लगा सकते हो, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, और आपको वैसे भी नजर आ रहा है कि 90 प्लस एक्स है ना, हेयर यू कैन यूज लीनियर पेयर। ओके, यहाँ पर मैं लीनियर पेयर भी लगा सकता हूँ, आई कैन से एक्स प्लस 90 इज 180 एंड जेड प्लस 30 इज 180। आपको निकालना क्या है, यू नीड टू फाइंड आउट एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ओके, सो लेट अस सी। देखिए आप सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पर, यू कैन से दैट एक्स प्लस 90 इज इक्वल टू, एक्स प्लस 90 इज इक्वल टू 180, 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। ओके, यहां पर आप कह सकते हैं कि z प्लस 30 इज इक्वल टू 180 अगेन बाय लीनियर पेयर। ठीक है, ये बेसिक प्रॉपर्टी है लीनियर पेयर, आपने क्लास 7th में भी पढ़ा हुआ है, व्हेन टू एंगल्स दे आर ऑन अ स्ट्रेट लाइन देयर सम इज 180 डिग्री। ठीक है, तो z प्लस 3 इज 30 इज 180 डिग्री। यहां से आपकी x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, एंगल x इज इक्वल टू, एंगल x इज इक्वल टू 180 माइनस 90, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, एंड व्हाट इज एंगल z, एंगल z आ गया मेरा 180 माइनस 30 डिग्री, 180 माइनस 30 दैट इज इक्वल टू 150 डिग्री। एंगल x और z आ चुके हैं आपके पास ओनली बाय लीनियर पेयर। ठीक है, नाउ व्हाट इज एंगल y, आपने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है क्लास 7th में, हमें क्या पता है कि एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल कैसे बनता है, एक्सटेंडेड साइड के ऊपर कहीं पर भी आप ऐसे एंगल बना लेंगे, दिस इज एक्सटीरियर एंगल। ओके, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, तो आई कैन से हियर दैट एंगल वाई इज इक्वल टू, एंगल वाई की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 30 प्लस 90, 30 प्लस 90 दैट इज इक्वल टू 120 डिग्री, दिस इज एंगल वाई। बस आपको क्या करना है, अब आपको करना है एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड। ओके, यू विल गेट योर आंसर। तो देखिए एंगल एक्स कितना है हमारा, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड दैट इज 90 प्लस 120 एंड प्लस यू हैव 150 डिग्री। तो स्टूडेंट्स आप इसको इजीली ऐड करके यू विल गेट योर आंसर। देखिए ये कितना हो गया, दिस इज 210, ओके, प्लस 150, 210 प्लस 150 इज 360 डिग्री। और यहां से आपको एक चीज और पता चल रही है इस क्वेश्चन से स्पेसिफिकली, जो मैंने आपको बताई भी थी, किसी भी पॉलीगन में सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये हमारा वेरिफिकेशन भी हो गया स्टूडेंट्स, ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है एक्स, दिस इज अनदर एक्सटीरियर एंगल वाई, दिस इज अनदर एक्सटीरियर एंगल जेड। तो अगर हम तीनों को ऐड करके देख रहे हैं तो वी आर गेटिंग 360, जो कि हमारा सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन होता भी है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4।